जय हिंद एवरीवन। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट में लिख रहे थे, सर हमारा डिस्ट्रिक्ट का एथलेटिक एसोसिएशन कब करवाया जाएगा। ऐसा वो इसलिए लिख रहे थे क्योंकि गया डिस्ट्रिक्ट का एथलेटिक एसोसिएशन जो करवाया जाएगा वो आपका नवंबर महीना में करवाया जाएगा, और उस पर हम वीडियो भी डाल चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वो वीडियो देखने के बाद अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से लिख रहे थे कि सर हमारा डिस्ट्रिक्ट का एथलेटिक एसोसिएशन कब करवाया जाएगा, कुछ बताइए। तो देखिए, आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं, चाहे जिस जिला से बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। आपका जो भी बच्चे कमेंट में लिख रहे थे वो आज पूरा क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। आपके डिस्ट्रिक्ट का एथलेटिक एसोसिएशन कब करवाया जाएगा पूरा इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। अगर आप बिहार के युवा हैं और आप और एथलेटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको खेलना पड़ता है, उसके बाद आपको स्टेट लेवल और उसके बाद नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो जाहिर सी बात आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले सेक्रेटरी का नंबर आपको बताएंगे। आपको सबसे पहले आपके डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी का नंबर ढूंढना पड़ेगा और उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। मैं सेक्रेटरी का नंबर पूरे जो जितना भी बिहार में जितना जिला है ना, पूरे डिस्ट्रिक्ट का मैं उनका सेक्रेटरी का नंबर इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जो मैं सेक्रेटरी का नंबर अभी बताऊंगा गूगल पे जाके, तो वो आप अपना डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अपना सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट का कब एथलेटिक्स एसोसिएशन करवाया जाएगा। वहाँ से आपका पूरा डिटेल देखने को मिलेगा, जेवलिन थ्रू होता है आपका, हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, रनिंग करना होता है, वो आपके पूरा सेक्रेटरी आपको बताएंगे डिटेल्स में। क्योंकि बिहार के बहुत सारे जिला है तो मैं पूरा इस वीडियो में आपको साथ नहीं बता सकता हूँ। अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ही मतलब बहुत सा वीडियो बनाना पड़ जाएगा, इसीलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ बिहार में जितना भी जिला है तो सबसे पहले सभी जिला का सेक्रेटरी का नंबर इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, और अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अपने सेक्रेटरी से आप कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं कि सर हमारा डिस्ट्रिक्ट में कब आयोजन कराया जाएगा एथलेटिक्स, क्योंकि गया डिस्ट्रिक्ट में आपका नवंबर महीना में एथलेटिक एसोसिएशन करवाया जाएगा, उस पर हम एक स्पेशल वीडियो भी बना चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले गूगल पर आपको आना पड़ेगा। आप भी गूगल पर लिख सकते हैं बिहार डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन और सेक्रेटरी नंबर, ऐसे आप लिखेंगे तो आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं भी लिखने आएगा या ऐसे नहीं आप कर पा रहे हैं, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देखने को मिल जाएगा, जो मैं आपको गूगल पे जाके इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लें और वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं गूगल पे आके डायरेक्टली ऐसे लिखा बिहार ऑल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नंबर ऑफ एथलेटिक्स एसोसिएशन, तो उसके बाद ये लिखने के बाद कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। तो ये देख पा रहे हैं, ये फेसबुक पेज एक है, तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फेसबुक पे क्लिक करना पड़ेगा। फेसबुक पे मैं क्लिक कर दिया, देन फेसबुक पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिहार एथलेटिक एसोसिएशन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नेम, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम, सेक्रेटरी नेम और उनका यहाँ पे नंबर भी शो किया जा रहा है, और ईमेल आईडी भी, मतलब पूरा यहाँ पे उनका बायोडाटा शो किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नेम के नीचे में अररिया DAA, तारीख एक बार डिटेल्स यहाँ पे शो किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट अररिया है। यहाँ पे पिन कोड भी शो किया जा रहा है 85 43 25, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 9470702330। नेक्स्ट नंबर है 9973723233। आप इस नंबर पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप अररिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और आपका अररिया में कब करवाया जाएगा एथलेटिक एसोसिएशन, ये आप सर से बात कर सकते हैं तारिक इकबाल से, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो वैसे ही यहाँ पे अरवल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो अरवल डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे ये शैलेश कुमार सर से बात करना पड़ेगा। शैलेश कुमार वहाँ के सेक्रेटरी है, यहाँ पे देख पा रहे हैं अररिया के लिए तारिक इकबाल हैं, तो उनका यहाँ पे शैलेश कुमार का नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, ईमेल से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं औरंगाबाद के सेक्रेटरी है राकेश कुमार राय, यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं बांका का ये राजीव लोचन है यहाँ के सेक्रेटरी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएँ। नेक्स्ट यहाँ पे है बेगूसराय के दीपक सर हैं, और यहाँ पे उनका नंबर ये है, और ये आपका ईमेल आईडी है उनका। और नेक्स्ट है भभुआ के लिए यहाँ पे महावीर कुमार सिंह हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे है।
नेक्स्ट मैं आपको डिस्ट्रिक्ट पढ़ते जा रहा हूँ, उसके हिसाब से आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। भागलपुर का यहाँ पे नसार आलम है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे है। नेक्स्ट है भोजपुर, भोजपुर के जसवंत सर है सेक्रेटरी, यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे मेल है, सब कुछ है यहाँ पे पूरा डिटेल। और नेक्स्ट यहाँ पे बक्सर का भी है, जो बक्सर का हारून सर है, और यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। नेक्स्ट है यहाँ पे दरभंगा, दरभंगा का यहाँ पे है चंद्रकांत झा है, और उनका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी है। यहाँ पे इस चंपारण के लिए अरविंद कुमार सर हैं सेक्रेटरी, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। नेक्स्ट गया का, जो यहाँ पे जितेंद्र कुमार हैं गया डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी, मैं इनसे कॉन्टैक्ट भी कर चुका हूँ, और गया से मैं खुद बिलोंग करता हूँ। तो मैं गया डिस्ट्रिक्ट में जो सुब्रमण्यम हरिया स्टेडियम है, हरिया सुब्रमण्यम स्टेडियम है, उस जगह पे मैं गया भी था, तो वहाँ पे एक नोटिस भी लगाया गया है, जो मेरे उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम नोटिस के बारे में डिटेल बताए हैं गया डिस्ट्रिक्ट के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं गोपालगंज के लिए यहाँ पे अमीरुल हक हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। जमुई के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर इनका यहाँ पे है, राकेश कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है जहानाबाद, जहानाबाद के लिए यहाँ पे अजीत कुमार हैं सेक्रेटरी, यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। कटिहार के लिए यहाँ पे नसीम अहमद खान हैं, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। खगड़िया का यहाँ पे है प्रिंस कुमार हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। किशनगंज के यहाँ पे देख पा रहे हैं सादिक अख्तर हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर उनका ये है। लखीसराय का यहाँ पे देख पा रहे हैं निर्मल कुमार हैं सेक्रेटरी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। मधेपुरा का शंभू कुमार है, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर तो उनका यहाँ पे शो नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनका एड्रेस है। और मधुबनी के लिए यहाँ पे श्री राहुल कुमार ठाकुर है, जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी भी है। मुंगेर के लिए यहाँ पे शत्रुघ्न पीडी यादव है, जो कॉन्टैक्ट नंबर भी है। मुजफ्फरपुर के लिए यहाँ पे है राकेश कुमार सिंह है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। नालंदा का यहाँ पे शम्स तौहीद हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी पूरा है। नवादा का यहाँ पे देख पा रहे हैं सुधाकर शर्मा है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। पटना का यहाँ पे अरशद अहमद है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ है। पूर्णिया का यहाँ पे देख पा रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे एम एच रहमान यहाँ का सेक्रेटरी हैं। रोहतास का यहाँ पे विनय कृष्णा है, जो यहाँ पे नेम उनका शो किया जा रहा है यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे सहरसा का देख पा रहे हैं, सहरसा का यहाँ पे ये है सेक्रेटरी रोशन कुमार सिंह, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। समस्तीपुर यहाँ पे देख पा रहे हैं, समस्तीपुर के रुस्तम अली है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी है। सारण के देख पा रहे हैं यहाँ पे, सारण का यहाँ पे गजेंद्र सिंह इनका नेम है। बस अब नेम और कॉन्टैक्ट ही नंबर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं मैं क्या बतलाना चाह रहा हूँ उसे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ये है, शेखपुरा का यहाँ पे सेक्रेटरी का नेम यहाँ पे शो किया जा रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, यहाँ पे ईमेल आईडी भी है। शिवहर के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं उनका नाम ये है, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे है। सीतामढ़ी के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं उनका नाम ये है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं ये सब इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लियाकत अली देख पा रहे हैं सिवान के लिए हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे देख पा रहे हैं सुपौल के लिए कॉन्टैक्ट नंबर और सेक्रेटरी नेम। वैशाली के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर सेक्रेटरी नेम देख पा रहे हैं। वेस्ट चंपारण के लिए श्री राम बालक यादव है, जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर 7250181704 है, और ईमेल आईडी भी यहाँ पे शो किया जा रहा है। जो भी यहाँ पे था इस पेज पे मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आप बिलोंग करते हैं, आप एथलेटिक में जाना चाहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी नंबर से डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं कि सर कब एथलेटिक एसोसिएशन करवाया जाएगा, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।